गाइस आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, यदि टिकटॉक आप ओपन करते हैं तो आपको टिकटॉक में 50 से 60% वीडियो आपको स्लो मो और फास्ट मो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक में प्रोफेशनल स्लो मो और फास्ट मो वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो शूट करना है। वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको बैकग्राउंड काफी बेहतरीन होना चाहिए, तभी आपका वीडियो वायरल हो सकता है और लाइक्स एंड व्यूज काफी ज्यादा आ सकते हैं। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कैनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो बहुत सामने दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जीवन का टेन मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दूंगा। करने के बाद आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है और देख सकते हैं लास्ट में भी आपका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर कर देख लेना है। आपको देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ जो लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा था लेफ्ट रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो को लास्ट पॉइंट पर आना है। आपको यहाँ पर देखना है हमारा वीडियो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 7.0 पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको वीडियो को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सेकेंड लास्ट में स्पीड टू प्ले हिट। आपको सिंपल स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और फिर से हमें देखना है यहाँ पे आगे की तरफ लेकर आना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। फिर से वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं, कैचिंग निशान पे क्लिक करते हैं और स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। इस तरह से वीडियो में आपको 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट को हमें नॉर्मल रहने देना है और सेकेंड पार्ट को जो हमारा स्लो मो करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और स्पीड कंट्रोल पर आना है और आपको यहाँ पर 0.5 से पहले एक डॉट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। एडजस्ट आपको काफ़ी ध्यान से करना है। इसके बाद डन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से स्लो मो में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये फास्ट मो में हो गया। इसके बाद इसे आपको फिर से स्लो मो करना है, स्पीड कंट्रोल पर आना है, 0.5 से पहले एक डॉट दिख रहा है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आते हैं और इसे भी आपको स्लो मो में कर देते हैं। अब मैं आपको एक बार फाइनली वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ। अब जैसा कि वीडियो देख सकते हैं आप, फास्ट मो हो गया, स्लो मो में दिखा रहा है वीडियो। इस तरह के भी वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करने के लिए लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपको किसी भी वीडियो में से साउंड ऐड करना है। तो सिंपल आपको वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो होगा वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड भी ऐड हो चुका है। यदि एक्स्ट्रा साउंड है तो एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और इसके बाद ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप साउंड ऐड कर सकते हैं। सिंपल जो भी साउंड आपने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पर आपको शो कर देगा। इसके बाद सिंपल आपको साउंड को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्लस का यहाँ पे प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं हमारा साउंड कौन सा है। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं साउंड आपका नीचे आ जाएंगे। अब कुछ इस तरह से आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है और इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस तरह से भी आप वीडियो में साउंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर।